देखते रहिए यूबीएन जीरो एट गुना से योगेश लोधा की खबर आ रही है। शनि मंदिर की स्थापना 1965 में की गई थी। मंदिर प्राचीन है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनि अमावस्या कई सालों के बाद पितृ मोक्ष में यह दिन आया है। इस दिन शनि मंदिर पहुंचकर भक्त भगवान के दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। गुना आरोन रोड जगनपुर चक हड्डी मील गुना। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये मंदिर की स्थापना 1965 में सरवी बाबूलाल जोशी द्वारा कराई गई थी। इसके बाद हमारे पिताजी ने पूजा अर्चना की। आज मैं संजीव सिंह 20 साल से इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा हूँ। आज शनि अमावस्या है, साथ ही पितृमोक्ष अमावस्या है। बड़े सालों के बाद ऐसा योग बना है, पितृमोक्ष और शनि अमावस्या एक साथ हमें आज देखने को मिली है। आज के दिन भगवान शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना करने से, हवन शांति करने से, तेल का अभिषेक करने से, तिल तेल और काले वस्त्रों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जैसे जिन गिरजातों को शनि की साढ़े जाति रहिया चल रही है, इन राशि वालों को शनि महाराज के आज के दर्शन करने से, पूजा अर्चना करने से, हवन शांति करने से, जाप आदि करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुखों का नाश होता है। मेरा नाम संजय जोशी, शनि मंदिर पुजारी, बीओ जगनपुर गुना। जय। आज के दिन जो शनि महाराज की पूजा करेगा, किस राशि वाले को लाभ जाएगा? आज विशेष रूप से अभी शनि जैसा वृश्चिक धनु मकर राशि वालों को साढ़े साढ़े चल रही है, साथ ही वृष मकर वो कन्या राशि वालों को ढैया शनि का प्रभाव है। ऐसे जातों को आज शनि महाराज विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से, हवन शांति करने से दुखों का नाश होता है, गिरोह की शांति होती है और साथ ही सही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं शनिदेव महाराज। जय शनिदेव।